हेलो दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने दोस्तों पिछले वीडियो में बुद्धि के बारे में बताया था। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर हमारे पूरे वीडियो साइकोलॉजी के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं बुद्धि की विशेषताएँ। तो सबसे पहली विशेषता है दोस्तों, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। दोस्तों जो बुद्धि होती है वो व्यक्ति को जन्म से ही मिलती है। जैसे बालक, अगर हम धरती के सभी बालक ले लें तो दोस्तों जब वो शेष अवस्था से बाल्यावस्था में जाते हैं या फिर शेष अवस्था में जैसे चलना फिरना घूमना ये सामान्य क्रियाएं जो सभी करते हैं, तो दोस्तों ये बुद्धि है उसे जन्म से ही मिलती है, तो इसे हम बोलते हैं जन्मजात बुद्धि। लेकिन दोस्तों फिर वो वातावरण के अनुसार बुद्धि प्राप्त करता है। जैसे अगर उसका वातावरण अच्छा है, घर में बहुत सारे सदस्य हैं जो माता पिता अंकल वगैरह सभी डॉक्टर हैं, तो दोस्तों वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और वो भी डॉक्टर बनने का प्रयास करता है और वो डॉक्टर भी बन जाता है। दोस्तों वो वातावरण का बेहद प्रभाव होता है और कुछ व्यक्तियों का अगर वातावरण गंदा होता है तो बच्चा भी दोस्तों नेगेटिव प्रवृत्ति का होता है, तो दोस्तों वातावरण का बड़ा ही इफेक्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम का आशय है दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो लक्षण होते हैं। जैसे कभी कभार आप अपने घर में अगर कोई सदस्य जन्म लेता है तो आप क्या बोलते हो कि यह तो उस पे गया है, या फिर इसकी शक्ल अपने पापा से मिल रही है, मम्मी से मिल रही है, भाई से मिल रही है, बहन से मिल रही है। तो दोस्तों ये वास्तव में क्यों मिलती है? क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं जो माता पिता से या दादा दादी से बेटों में या फिर पोतों में चले जाते हैं, इसके कारण दोस्तों उनके कुछ गुण हैं जो अपने पूर्वजों से मिलते हैं। तो ऐसे लक्षण दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंश में एक वंश से दूसरे वंश में जाते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों वंशानुक्रम का। दोस्तों बुद्धि अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। दोस्तों अगर किसी के अंदर अधिक बुद्धि है तो वो व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता है। जैसे अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दोस्तों वो बेहद बुद्धिमान व्यक्ति है, अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर रहे हैं। इसके कारण दोस्तों वो 2 बार CM रह चुके हैं, फिर PM बन चुके हैं, दोस्तों अभी भी वो बेहद तरक्की कर रहे हैं। तो दोस्तों जो व्यक्ति को जो बुद्धि है अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। दोस्तों अगर मान लो अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति है तो वो अनुसंधान में जैसे वैज्ञानिक डॉक्टर इंजीनियर वगैरह ये बनता है, तो दोस्तों वो कल्पना से अपने सोच सकता है, दोस्तों वो आगे की कल्पना पहले कर सकता है। और दोस्तों जो कल्पना के विचार होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमूर्त विचार। तो देखिए दोस्तों जो बुद्धि होती है उसके कारण व्यक्ति अपनी कठिन परिस्थितियों और जो जटिल समस्याएँ होती हैं उनको भी वो सरल बना लेता है। दोस्तों बुद्धि बेहद आवश्यक तत्व है मनुष्य का। तो देखिए दोस्तों ये थी बुद्धि की विशेषताएं। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।